आज का टॉपिक है अरिथमेटिक सर्किट। तो अभी जो हमने देखा था एडर, इंक्रीमेंटर, सब्ट्रैक्टर, उस सारे को इसी एक सर्किट में कवर किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर जो सर्किट डिजाइन किया गया उसमें फुल एडर लिए गए हैं। ये 4 बिट का सर्किट है, 4 बिट के सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 4 फुल एडर्स लिए गए हैं और 4 ही मल्टीप्लेक्सर्स लिए गए हैं। मल्टीप्लेक्सर 4:1 का लिया गया है, मतलब जो 4 इनपुट ये हैं 0, 1, 2, 3, इनमें से एक ही जो एक ही आउटपुट के तौर पर जनरेट होगा। इस तरीके से 4 मल्टीप्लेक्सर लिए गए। मैं ऊपर वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी सब सेम ही होगा। यहाँ पर जो दो यहाँ पर जो फुल एडर है उसका एक इनपुट है सी इन कैरी, जो इन ली गई है, और दूसरा इनपुट जो फुल एडर के लिए जाएगा वो होगा एक्स जीरो, जो कि ए जीरो, जो नंबर आपको जिसमें भी दो नंबर हैं आपके पास ए जीरो, ए वन, ए टू एंड ए थ्री, उसमें आपको बी जीरो, बी वन, बी टू और बी थ्री, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करने, कभी एडिशन, कभी सब्ट्रैक्शन, कभी इंक्रीमेंट, तो इनके बीच के ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे वो हम देख रहे हैं। तो फुल एडर जो लिया है उसका एक आउटपुट हो जाएगा ए जीरो, दूसरे का होगा ए वन, ए टू, ए थ्री, ऐसे चारों फुल एडर के एक इनपुट ये हो जाएंगे। दूसरा इनपुट या तो बी हो, दूसरा इनपुट यहां से आएगा इस मल्टीप्लेक्सर का, जो भी आउटपुट जनरेट होगा वो इसका इस फुल एडर का दूसरा इनपुट होगा, बाय इनपुट होगा, और डी जो है वो इस फुल एडर का आउटपुट होगा, और दूसरा आउटपुट होगा सी वन, जो कि नेक्स्ट फुल एडर पर आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहां पर ये जो है, पहले तो ये सिलेक्शन लाइन ली गई है एस वन एस जीरो, क्योंकि हमारे पास 4 मल्टीप्लेक्सर्स हैं, तो 4 मल्टीप्लेक्सर्स हैं और उन चारों मल्टीप्लेक्सर में 4 इनपुट हैं, तो इन 4 इनपुट में से कौन सा इनपुट इस टाइम पर लिया जाएगा उसको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन लाइंस ली गई हैं, कि एस वन एस जीरो की वैल्यू क्या होगी, तब यहां पर क्या बी इनपुट आएगा। ठीक है, 0 0 होगा तो 0, 0 1 होगा तो 1, 1 0 होगा तो 2, मतलब ये वाला, और 1 1 होगा तो ये वाला इनपुट आउटपुट की तरह पर आएगा। फिर ये जो यहाँ पे 0 और 1 तो आपको समझ में आ रहा है कि एक तो बी लिया है और एक बी का कॉम्प्लीमेंट लिया गया है, लेकिन जो 2 3 है वो यहां से लिए गए हैं। 1 एक बिट ली गई है, 0 बिट ली गई है, 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो 0 को सेकेंड बिट के तौर पे लिया गया हर एक मल्टीप्लेक्सर में, और 1 को यहां पर जो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा उसको यहां पर 3rd बिट के रूप में हर एक मल्टीप्लेक्सर में लिया गया है। ये दो एक इनपुट अलग से लिया गया है, तो सारे मल्टीप्लेक्सर में यही इनपुट आ रहे हैं और यही आउटपुट आएगा, और एडर में आपका एक इनपुट तो ए जीरो ए वन वाला हो जाएगा और दूसरा इनपुट जो है वो यहां से मल्टीप्लेक्सर का जो भी आउटपुट होगा वो यहां पर आएगा। यहां पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा फुल एडर का जो भी परफॉर्म होता है, और आउटपुट आपका डी जीरो, मतलब सम जो होता है डी जीरो, डी वन, डी टू, डी थ्री, और फाइनल कैरी आपकी सी आउट के रूप में यहां पर प्रोड्यूस होगी। ये जो है ये सी आउट के रूप में प्रोड्यूस होगी फाइनल कैरी, और एक कैरी, एक फुल एडर की कैरी दूसरे फुल एडर पर एज ए इनपुट फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ये तो इसका एक डायग्राम, मतलब डिजाइन है। इसका जो आउटपुट होगा वो आएगा डी जो है इसकी वैल्यू होगी ए प्लस वाई प्लस सी इन। देखिए यहां पर अगर हम इसको देखें डी जीरो को, तो इट इज इक्वल टू ए, उसमें जो वाई इनपुट है वो ऐड होगा और कैरी ऐड होगी, तो ये एक आपके फुल एडर का आउटपुट होता है। अब हम इसके सारे ऑपरेशन, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो किस तरीके से जनरेट हो रहे हैं इस सर्किट के द्वारा वो देखते हैं। तो सारे माइक्रो ऑपरेशन यहां पर जनरेट हो रहे हैं वो लिखे गए हैं। सिलेक्शन आपका एस वन, एस जीरो और सी इन क्या रहेगा और क्या इफेक्ट पर एक पड़ेगा, इनपुट वाई आपका क्या रहे हो जाएगा उस इस वजह से, और फिर आउटपुट आपका क्या रहेगा। तो अगर आपकी सिलेक्शन लाइन 0 0 होती है और सी इन भी 0 होता है, तो अगर 0 0 है तो आपका जो बी इनपुट है वो एज इट इज आएगा, जो भी आपका बी रहा होगा, और डी जो है वो ए प्लस बी रहेगा, मतलब ये एडिशन माइक्रो ऑपरेशन आपका प्रोड्यूस करेगा। अगर यहाँ पे 0 0 1 है, मतलब सी इन 1 है, तो भी यहां पर बी रहेगा, तो लेकिन यहां पर आपका सी इन 1 हो जाएगा, तो यहां पर एडिशन तो होगा लेकिन कैरी के साथ होगा, क्योंकि यहां पर कैरी नहीं था, यहां पर कैरी हो गया।
मतलब अगर 0 0 है तो आपका जो पहला जो इनपुट है वाई इनपुट वो बी रहता है, 0 1 है और 0 है तो बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, 0 1 है और 1 है तो बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, लेकिन आपका जो ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन वो एक बार नॉर्मल सब्ट्रैक्शन रहेगा और एक बार आपका बोरो के साथ सब्ट्रैक्शन रहेगा। यहां पर आपका 1 0 अगर S1 S0 है तो कैरी भी 0 है तो आपका जो यहां पर आउटपुट है वो 0 ही आएगा, चाहे बी की वैल्यू कुछ भी हो जो आउटपुट ने प्रोड्यूस होगा वो 0 होगा, ठीक है। 1 0 है तो कैरी कुछ भी हो 0 प्रोड्यूस होगा। तो यहां पर एक बार डी इज इक्वल टू ए आएगा, मतलब ट्रांसफर ऑपरेशन आएगा और यहां पर इंक्रीमेंट होगा ए से, एक से। अगर 1 1 है तो आपका जो बी बी जो वाई इनपुट है वो आपका 1 होगा, बी की वैल्यू कुछ भी हो, और अगर 1 1 है तो 1 ही रहेगा और कैरी पर डिपेंड करेगा ये आउटपुट। तो अगर कैरी आपकी 0 है तो ये आपका आएगा A-1 और अगर कैरी आपकी 1 है तो ये आपका ऑपरेशन रहेगा ए, मतलब यहाँ पर डिक्रीमेंट ए होगा, यहाँ पर ट्रांसफर। अब ट्रांसफर ऑपरेशन आपके 2 बार प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 7 डिफरेंट माइक्रो ऑपरेशन ही आप यहाँ पर परफॉर्म कर पा रहे हो इस सर्किट की हेल्प से। यहाँ पर आपको बस S1 S0 का ध्यान रखना है। अगर S1 S0 आपका 0 0 है तो आपका जो बाय इनपुट होगा वो बी प्रोड्यूस होगा और फिर डिपेंड करता है यहाँ पर इस की वैल्यू सी इन पे। सी इन अगर 0 है तो ये एडिशन होगा, सी इन अगर 1 है तो ये एडिशन विद कैरी होगा। अगर 0 1 यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आपको बी का कॉम्प्लीमेंट प्रोड्यूस होता है और आपको जहाँ यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन मिलता है, एक बार विदाउट बोरो और एक बार विद बोरो डिपेंडिंग अपॉन द सी इन वैल्यू। अगर आपका S1 S0 1 0 होते हैं तो आपका बी कुछ भी हो यहाँ पर वाई इनपुट जो होगा वो 0 प्रोड्यूस होगा या फिर 1, क्योंकि y जो इनपुट थे उसमें या तो आपका b प्रोड्यूस हो सकता था या b बार प्रोड्यूस हो सकता था या 0 या फिर 1, तो वो डिपेंड कर रहा था सिलेक्शन लाइन पे। अगर सिलेक्शन लाइन 0 0 है तो b आएगा, सिलेक्शन लाइन 0 1 है तो b बार आएगा, सिलेक्शन लाइन 1 0 है तो 0 आएगा, सिलेक्शन लाइन 1 1 है तो 1 आएगा। और इसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन में आप जब सी इन की 0 1 0 1 0 1 पुट करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस होंगे और ये इतने माइक्रो ऑपरेशंस आपके परफॉर्म होंगे। तो ये जब हमने माइक्रो ऑपरेशंस काउंट किए तो दीज आर 7 डिफरेंट माइक्रो ऑपरेशंस, बिकॉज जो ट्रांसफर ऑपरेशन है वो 2 बार प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये टेबल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, वैसे बहुत ईजी है। और वो सर्किट आपने कैसे प्रोड्यूस किया है जिससे आपके सारे के सारे अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम देखेंगे लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस। ये अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस थे, अब हम लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस अगले वीडियो में देखेंगे।